हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक पोएम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अब इनिसफ्री क्या है, देखिए ये जो पोयम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, यह हम लिखी है विलियम बटलर ईट्स ने। अब इस पोयम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनिसफ्री एक प्लेस का नाम, एक जगह का नाम है जहाँ पे जो पोइट है वह बचपन में रहा करता था। एक यह एक द्वीप का नाम है और वह अपने बचपन में वहाँ पे उसने एक बहुत ही अच्छा समय स्पेंड किया है, बहुत ही अच्छा समय बिताया है। और यह एक जो पोयम है वह लिरिकल है। लिरिकल मतलब इस पोयम को हम गा भी सकते हैं। लिरिकल आप समझते हैं कि हिंदी में जैसे गीत काव्य कहते हैं, तो इस पोयम को हम गा भी सकते हैं। यह पोयम इस टाइप की है। और कभी बताता है कि कभी ये कहता है, पोइट ये कहता है कि उसकी वहाँ जाने की इच्छा है और इस पोयम में वहाँ जाकर वह क्या करेगा, अपना टाइम कैसे स्पेंड करेगा, इस पोयम में उसने यही बताया है। चलिए तो हम पोयम देख लेते हैं। पहले हम पोयम को एक बार पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम हर पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए क्या है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल मेड। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी बी एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड क्लैट एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिलेट्स विंग्स आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द सोर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ, उसके कुछ मीनिंग्स और उसका ट्रांसलेशन। तो देखिए क्या है, आई विल अराइज, अराइज स्टैंड अप, अराइज का मतलब होता है खड़े होना, उठना। आई विल अराइज एंड गो नाउ, कभी क्या कहता है कि मैं उठूंगा और जाऊंगा, कभी कहता है मैं अब उठूंगा और जाऊंगा। नाउ मतलब अब, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ जाऊंगा, इनिसफ्री जाऊंगा, एक छोटा सा द्वीप है जहाँ वो जाना चाहता है। एंड अ स्मॉल कैबिन विल्ड देयर, और क्या करेगा वो, देखिए विल यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है और उसके बाद एंड से सेंटेंस बना हुआ है, इसका मतलब यह जो पूरे सेंटेंस है यह फ्यूचर में बनेंगे, है ना। और एंड अ स्मॉल कैबिन, कैबिन का मतलब होता है रूम, कमरा। और क्या करूँगा, विल्ड देयर मतलब एक छोटा सा रूम वहाँ पर बनाऊँगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स, क्ले मतलब आप सब जानते हैं मिट्टी होती है, वेटल्स होती हैं मुड़ी हुई स्टिक्स, मुड़ी हुई स्टिक्स जिनसे हम फेंसेस बनाते हैं, है ना, जिनसे हम जालियाँ, मतलब जो आपने देखा होगा ना खेत के आसपास जो तार फेंसिंग की जाती है ताकि कोई एनिमल्स वगैरह अंदर ना आ सके, तो ऐसी ही स्टिक्स जिनको हम क्या कहते हैं, वेटल्स कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं उठूँगा जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा, वहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाऊँगा जो किसका बना होगा, मिट्टी और मुड़ी हुई लकड़ियों का, मैं वहाँ पे दीवारें बनाऊँगा, है ना। 9 वीन रोज विल आई हैव देयर, 9 वीन रोज का मतलब होता है, वीन मतलब होता है सेम की फली, सेम की फली, तो वहाँ पे क्या होंगी, सेम की फली होंगी 9 कतारों में होंगी, तो उसके
उसने उसके अपने खाने की व्यवस्था भी कर ली है, तो वो क्या सोचता है कि वहाँ पर सेम फली की 9 कतारें होंगी। अ हाइव फॉर द हनी बी, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता होगा, इनसे क्या होगा, वह शहद भी प्राप्त कर लेगा। खाने के लिए उसके पास क्या क्या है, 9 कतारों की सेम फली होंगी और हनी बी से वह, हनी बी के हाइव से, हनी बी के छत्ते से वह शहद भी प्राप्त कर लेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और वो क्या कह रहा है, और मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा। बी लाउड ग्लैड मतलब मधुमक्खियों के भिन भिनाने की आवाज़ में, ग्लैड मतलब खुले खुली जगह पर। वो क्या कह रहा है कि वह वहाँ जाएगा, इनिसफ्री जाएगा, एक छोटा सा घर बनाएगा जो कि मिट्टी और मुड़ी हुई स्टिक्स का होगा। वहाँ पे उसे खाने के लिए क्या मिल जाएगा, सेम फली की 9 कतारें मिल जाएंगी वहाँ पे होंगी खेतों में, और क्या होगा, मधुमक्खियों का जो छत्ता होगा वहाँ से उसे शहद मिल जाएगा, और मधुमक्खियों की मधुर आवाज़ वाली जगह पर वह खुशी पूर्वक रहेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम अपना सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, तो वो क्या कह रहा है, मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी। फोर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति तो कैसे आती है, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग मतलब बहना या फिर आना, गिरना, ड्रॉपिंग मतलब गिरना आना, तो शांति क्या होता है, शांति तो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हेल्स, तो क्या है, व्हेल्स क्या होता है, देखिए व्हेल्स का मीनिंग दिया हुआ है अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्न बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट और कंसील द फेस, मतलब एक कपड़े का टुकड़ा होता है जो औरतें क्या होती हैं, अपना फेस कवर करने के लिए रखती हैं, मतलब व्हेल्स का मतलब होता है आप बुरखा मान सकते हैं, है ना। तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हेल्स मतलब ऑफ द मॉर्निंग टू द वेयर, मतलब सुबह जो है वहाँ शांति कैसे मिलेगी, सुबह धीरे धीरे, जिसे आप घूंघट भी कह सकते हैं ना, सुबह क्या होगा, सुबह को क्या होगा, जब सुबह अपना घूंघट धीरे धीरे उठाएगी, मतलब धीरे धीरे रोशनी आएगी, तो वहाँ पे उसे क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। वेयर द क्रिकेट, क्रिकेट क्या होता है, एक कीड़े का नाम होता है क्रिकेट, जिसके बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं, जो ग्रॉस फरस यानी जो ग्रीन कलर का एक कीड़ा होता है उसके जैसा दिखाई देता है, और वह बहुत ही म्यूजिकल आवाज़ निकालता है। तो क्या होगा, सुबह धीरे धीरे अपना घूंघट उठाएगी, मतलब सुबह धीरे धीरे आएगी, और वहाँ पे जो कीड़ा होगा वह गुनगुना रहा होगा, तो इस वजह से उसको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। वह बता रहा है कि उसको शांति वहाँ पे कैसे कैसे मिल सकती है। अब आप देखिए, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, तो वहाँ पे आधी रात्रि में क्या होगा, आधी रात ऑल अ ग्लीमर मतलब जो आधी रात होगी वह चमकदार दिखाई देगी। आधी रात में आपने देखा होगा चांद जब पूरा होता है तो वह बहुत ही शाइन करता है, तो जो अर्धरात्रि होती है वह बहुत ही चमकदार दिखाई देती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वह कैसी होगी, जामुनी होगी। वहाँ पे जो दोपहर होगी वह जामुनी होगी, और जो अर्धरात्रि होगी वह चमकदार होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट, लिनेट क्या होता है, एक पक्षी होता है जो ब्राउन और ग्रे कलर का होता है, लिनेट्स विंग्स, और जो शाम होगी वह एक लिनेट पक्षी होता है, उसके विंग्स उसके पंखों की तरह होगी, है ना, फुल ऑफ लिनेट के विंग्स से होगी और वह पंखों की तरह होगी, तो इस वजह से भी उसको शांति मिलेगी। तो उसने बता दिया है कि इवनिंग में उसको कैसे शांति मिलेगी, मॉर्निंग में कैसे शांति मिलेगी, मिडनाइट में कैसे मिलेगी, और नून में कैसे मिलेगी। लास्ट पैराग्राफ है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे ऑल द, नाइट एंड डे का मतलब होता है पूरे समय के लिए, तो क्या होगा कि मैं उठूंगा और जाऊंगा क्योंकि पूरे समय के लिए। आई हेयर द लेक वाटर, मैं क्या सुनता हूँ, मैं झील के पानी की आवाज़ सुनता हूँ, है ना, मैं झील के पानी की आवाज़ सुनता रहा हूँ। लैपिंग विथ द लो साउंड्स वाय द शोर,
अब लैपिंग विद द मतलब कैसे पानी की आवाज़ सुनता है, जो किनारों से टकराता है, धीमी धीमी आवाज़ सुनता है जो जो किनारों के टकराने पानी के किनारों के टकराने से जो आवाज़ आती है उसको वह क्या करता है, धीरे धीरे सुनता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड भी, और जब भी मैं रास्ते पर या भूरे रंग के रास्ते पर खड़ा होता हूँ तो क्या, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, मतलब जब भी मैं कहाँ पर खड़ा होता हूँ, रास्ते पर खड़ा होता हूँ या फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ, आई हेयर इन इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं इसको दिल की गहराइयों से सुनता हूँ। हार्ट स्कोर का मतलब होता है दिल की गहराइयों से सुनना। तो पोइट ने निश्चय कर लिया है, वह श्योर है कि वह जाएगा, उठेगा और जाएगा, और वह क्यों जाएगा यह सारी वजह वो आपको बता चुका है। तो ये जो पोयम है वह किसकी है, विलियम बटर ईट्स की है। उसने इसमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है कि उसको इनिसफ्री जाना है, जहाँ पे उसने अपना बचपन बिताया है, और उसने अपनी सारी मेमोरीज शेयर की हैं आपके साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोयम के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।